बिग बॉस सीजन 14 खत्म हो चुका और एक्ट्रेस जुबीना दिलेक के सिर जीत का ताज भी सज गया, लेकिन शो से जुड़ा एक ऐसा पहलू भी है जो अभी भी सस्पेंस जैसा लगता है। ये सस्पेंस एक्टर एजाज खान से जुड़ा हुआ है। ये बात तो सभी जानते कि एजाज को सीजन 14 बीच में छोड़ना पड़ गया था और एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने उनकी तरफ से प्रॉक्सी बन गेम खेला था। अब एजाज ने तो बिग बॉस छोड़ने की वजह अपना काम बताई थी, कहा गया था कि उन्हें किसी सीरीज पर काम करना है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो एजाज की अलग ही दुनिया देखने को मिल रही थी। वह शो से निकलते ही पवित्र पुनिया संग देखे गए। एक्टर संग उन्होंने काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, ऐसे में कहा जाने लगा कि काम तो बहाना था, पवित्रा से मिलना था। अब खुद एजाज ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। एक्टर ने स्पष्ट किया कि वह पवित्रा से मिले जरूर थे, लेकिन शो उन्होंने अपने काम की वजह से ही छोड़ा था। इस बारे में एक्टर ने बताया कि मुझे पता है कि लोगों को गलत क्यों लगा होगा या उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा होगा। असल में मेरे बाहर निकलते ही मीडिया ने पवित्रा संग मेरी स्टोरी चलाई। मैंने भी सोशल मीडिया पर अपनी सीरीज को लेकर कुछ पोस्ट नहीं किया, कोई फोटो भी शेयर नहीं की। ऐसे में मेरे बारे में जो लिखा जा रहा था वो सिर्फ पवित्रा से जुड़ा हुआ था। लोगों को लगने लगा कि मैं तो सिर्फ पवित्रा संग ही चिल कर रहा था। एक्टर ने बताया कि वे अपनी सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स पर काम कर रहे थे। उस सीरीज की शूटिंग कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। ऐसे में एक्टर को बिग बॉस बीच में छोड़ शूटिंग पूरी करनी पड़ी थी। एक्टर के मुताबिक वह सीरीज के लिए एक दिन 18 घंटे काम कर रहे थे। वह बिग बॉस का दोबारा हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन बिजी शेड्यूल और क्वारंटाइन रूल्स की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए और उनकी बिग बॉस में जर्नी फिनाले से पहले ही खत्म हो गई।